सुप्रभात, सुप्रभात, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में उन्हें आज हमारे साथ युवा साथी प्रज्ञा। शुरुआत हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से, दोनों पांव सामने, दोनों हाथ साइड में पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर ताने, रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधी रखें, मुस्कुराकर करें, कंधों को आगे लटकने ना दें। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। घुटने थाई के नीचे गैप मत लेकर आइए। एक बार दायां पंजा आगे, एक बार बायां पंजा आगे, विपरीत दिशा में दोनों पंजों को ज्यादा से ज्यादा तानना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए करिए, बड़े उत्साह के साथ, बड़ी खुशी के साथ करिए। वेरी गुड, आएंगे वापस। राइट पांव को मोड़कर लेफ्ट पांव के ऊपर रखें, दोनों हाथों से घुटने को दबाएं, लेफ्ट पंजा सामने तना हुआ, घुटने को दबाइए, कमर को सीधा रखकर दबाइए। थोड़ा हो, ज़्यादा हो, श्वास भरकर पेड़ों को दबाइए, चेस्ट को दबाइए, सामने पंजे को तान के रखिए लगातार। श्वास छोड़ते हुए आसन पर, श्वास भरते हुए पुनः एक बार पेड़ों को दबाएं। दोनों हाथों का स्टैंड बना लें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, झूला झूलाएं। एड़ी को सामने जो है कोशिश करें, हिले नहीं, पंजा सामने तना रहे, मुस्कुराते रहें। एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान होनी चाहिए। कमर झुक रही है जी, कमर को सीधा करके कीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को सीधा करें। दूसरी ओर से बाएं टांग को मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने को दबाइए। करिए करिए करिए, और अब श्वास को भरकर पेड़ों को दबाइए, चेस्ट को दबाइए। भरे हुए श्वास की क्रिया, श्वास छोड़ते हुए पुनः एक बार घुटने आसन, घुटना आसन पर सीधा रखें कमर को बिल्कुल। फिर से एक बार पेड़ों को दबाएं, समझ में आने के बाद आंखें कोमलता से बंद, प्रयास अवश्य करें। वापस आकर स्टैंड बनाइए और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, झूला झुलाइए। सामने पंजे को तानिए, सभी करेंगे जी, सभी करेंगे, बिना समय गंवाए करेंगे। पांव का जोड़ प्रभाव में आ रहा है, पद्मासन आपका आराम से लगना प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे आ जाइए वापस, थोड़ा सा विश्राम, रिलैक्स, पांव को ढीला छोड़ दीजिए, सामान्य श्वास। दोनों पांव को एक फीट खोलिए, दोनों पांव के अंगूठे किताब की तरह आसन पर लगाइए। किताब को जैसे बंद करते हैं, खोलते हैं, छोटी उंगली बाहर की ओर लगाइए। थोड़ा प्रयास करेंगे कि घुटना थाई नीचे से उठे नहीं, उससे और अधिक प्रभाव आएगा आपको। कमर को, गर्दन को यथासंभव सीधा रखकर करें, पीछे की ओर ना लटकाइए। करिए जी, करिए, आएंगे वापस। एक बार दाएं टांग को हिप से लगाइए, एड़ी को, एक बार बाएं पांव की एड़ी को लगाइए हिप से। करिए जी, सब
थोड़ा खुश होकर करिए, थोड़ा और चार्म लेकर आइए। सुबह सवेरे कितनी बढ़िया हवा चल रही है, मुझे विश्वास है आप लोग बालकनी में अथवा छत से ही सुंदर साधना कर रहे होंगे। अगर संभव ना हो, घर पर कर रहे हों, ज़रूर आप दरवाज़ों को खोलकर, खिड़कियों को खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध ऑक्सीजन आने दें। अब दोनों पांव से इकट्ठा करें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है सभी का। मुस्कुराते रहिए, करते रहिए। अब आएंगे वापस, दोनों हाथों को आपस में क्लैंप कर लें और दोनों पांव की एड़ियों को उठा दें, जैसे हम हस्त पादोत्तानासन करते हैं उस प्रकार पूरे शरीर का वजन हिप्स पर लेकर आएं और कुछ पल के लिए रुकें, पंजे को तान कर रुकें, घुटने को सीधा करके रुकें, चेहरे पर बिना तनाव लाए रुकें। वेरी गुड वेरी गुड, करिए करिए, कोशिश करिए जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग, बहुत क्षमता है हमारे अंदर। धीरे धीरे आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स, बटरफ्लाई करेंगे। एड़ियों को पास में लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को पकड़ें, कमर को सीधा करके घुटने ऊपर नीचे, पूरी मस्ती के साथ हल्कापन महसूस करें शरीर में। बहुत आनंद की अनुभूति हो, बड़ा अच्छा लगे, पूरे परिवार के साथ करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए घुटने आसन को स्पर्श करें, थाई आसन को स्पर्श करें, आगे मत झुकिए, थोड़ा सा शरीर को और पीछे करिए, थोड़ा सीधा करिए कमर को। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, करते जाइए करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। अब आ जाएंगे वापस, थोड़ा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास करेंगे। पद्मासन के लिए पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं टांग को मोड़ें, फिर बाएं टांग को मोड़ें, एड़ियां नाभि के दाएं बाएं आए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, बंद आंखों में गहरे लंबे श्वास। मन को शांत करने के लिए, मन की लघु लहरियों को कम करने के लिए, योग में रुचि बढ़ाने के लिए बहुत ही सहज अवस्था, अपने श्वासों के साथ जुड़ना, अपनी प्राण शक्ति को आते जाते हुए महसूस करना, मुस्कुराते रहना, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखना। अपने भाग्य को सराहिए, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को वंदना करिए। संकल्प करें आज हम साधना कल से बढ़िया करेंगे, बंद आंखों में करेंगे, पूरे समय के लिए करेंगे। तीन बार ओम ध्वनि, एक बार गायत्री मंत्र, मुस्कुराकर श्वास लीजिए। Oh.
नियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठकर आइए त्रिकोण आसन का अभ्यास करें। दोनों हाथों की पांचों उंगलियां अपने कंधों पर रखें, जो पद्मासन लगाकर कर सकें अति उत्तम। गहरा लंबा श्वास लीजिए, थोड़ा सा कमर को खींचिए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने राइट साइड में झुकिए। बगल से झुकना है जी, आगे नहीं झुकना बिल्कुल भी। कोशिश कीजिए कि आपकी दाएं हाथ की जो कोहनी है आसन को स्पर्श कर जाए, बाएं हाथ की कोहनी लेफ्ट साइड में आकाश की ओर। गर्दन को भी लेफ्ट साइड में घुमाना चाहे घुमा सकते हैं, कोहनी को देख सकते हैं और सामान्य श्वास में रुक जाएं। देखिए अपने पसलियों पर जो प्रभाव आ रहा है। कुछ साधक आगे की ओर झुक रहे हैं जी, कंधे को लटका रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। बहुत बढ़िया, अपने लेफ्ट घुटने को भी मत उठने दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो जी। उंगलियों को बिल्कुल कंधे से चिपका के रखिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार पुनः कमर का विस्तार, गहरा लंबा श्वास। श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें, पिछली आवृत्ति से और बढ़िया करने की कोशिश। ये देखिए कितना अच्छा प्रदर्शन, कितनी सहजता से कोहनी आसन को टच कर रही है। आप भी थोड़ा प्रयास कीजिए। दाई कोहनी बिल्कुल आकाश की ओर है, ना पीछे की ओर जाए शरीर, ना आगे की ओर आए। बगल से की जाने वाली क्रिया, मुस्कुराते रहिए जी। पूर्ण स्थिति में आंखें मंद रखिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मुस्कुराते हुए आएंगे मध्य में। दोनों हाथ नीचे, पांव को खोल दें, थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, आंखें बंद, बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। करिए जी, बैठ जाइए, फिर से खड़े हो जाइए। करिए सब लोग, करिए, फिर से बैठिए। आलस मत दिखाइए जी, फिर से खड़े हो जाइए। एक बार और बैठिए, पुनः खड़े हो जाइए। ये देखिए कितना बढ़िया से, ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। पूरा दिन आप जब भी इस प्रकार बैठे खड़े हों, कोशिश करें हमें सहारा लेने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए जी, थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे, पहले शरीर को खड़े होकर वार्म अप करेंगे। जो रेगुलर हैं, युवा साथी हैं, वो आसन पर हल्का हल्का जॉगिंग करते हुए आगे पीछे दौड़ लेंगे। चेहरे पर लगातार मस्ती नजर आए परिवार के सभी सदस्यों में, ताकि जोश आ जाए। देखिए कितना अच्छा लगता है, और सुबह के इस मौसम में तो अलग ही आनंद आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। आएंगे वापस, सामान्य श्वास, रिलैक्स। एक बैलेंसिंग एक्टिविटी करेंगे। अपने लेफ्ट पांव को मोड़िए और लेफ्ट हैंड से अपने पांव के पंजे को पकड़ लीजिए, पीछे से पकड़िए। बहुत बढ़िया, पहले बैलेंस बनाइए,
और अब अपने राइट हैंड को धीरे धीरे आकाश की ओर ले जाइए। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर रुकने का मन बनाइए। रुकिए रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास, आंखें बंद या खोल कर कर लें, आगे ना झुकें जी बिल्कुल भी। कोशिश कीजिए आंखें आगे ना झुकें और घुटने को आगे मत आने दें जी। कोशिश कीजिए घुटना भी दूसरे घुटने के पैरेलल हो। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथ भी नीचे, थोड़ा विश्राम ले लें। चढ़े हुए श्वास में अगली क्रिया ना करें, थोड़ा बिल्कुल सामान्य होने के बाद ही करें। मन मनाएं, राइट लेग को मोड़ें, राइट हैंड से पंजे को ग्रिप करें, श्वास भरते हुए भुजा को तानकर आकाश की ओर ले जाएं। कलाई को सीधा रखें, भुजा कान के साथ या कान के पीछे, सामने से आपका कान नजर आए, सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें। घुटना आगे मत लेकर आइए जी, घुटना दूसरे पांव के घुटने के साथ, थाई थाई के साथ या पीछे लेकर जाएं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है। करिए करिए करिए, सभी लोग करिए। धीरे धीरे पहले पांव को आराम से नीचे छोड़ दें, हाथ को भी वापस ले आएं, रिलैक्स, सामान्य श्वास, रिलैक्स। थोड़ा अपने आसन के ऊपर ही हल्का हल्का अपने पंजों के ऊपर थोड़ा उछलेंगे, हल्का हल्का, धीरे धीरे, दोनों पंजों पे धीरे धीरे। हाथों को अपने सुविधा के हिसाब से रखें। करिए करिए करिए, जबरदस्ती कोई ना करे। और अब पंजे पे ही एक बार राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में करिए। थोड़ा हाथों को अपने सुविधा के हिसाब से करें। करिए करिए करिए, एक बार दोनों पंजे एक साथ, एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छे से आपके हिप्स की, थाई की चर्बी कम होगी। पूरी मस्ती के साथ करिए करिए करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, श्वास को सामान्य करें, मुस्कुराएं, एकदम रिलैक्स हो जाएं। चढ़े हुए श्वास में कोई भी क्रिया ना करें। अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखें और घुटने को खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, गर्दन सीधी। करिए करिए करिए। अब दोनों घुटनों को बाहर की ओर खोलें, फिर बंद करें। वेरी गुड, करिए करिए, बहुत बढ़िया। करते जाइए करते जाइए, डायमंड की शेप बनेगी आपके घुटनों की, पांव की। करते जाइए, आएंगे वापस, थोड़ा सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। थोड़ी जैक जंपिंग करेंगे, दोनों पांव को खोलिए, हाथों को साइड से चलाइए, करिए खुश होकर। वेरी गुड, ये सब वार्म अप क्रियाएं हैं, इनमें तो आप पूरा जोश दिखाइए। देखिए आसन बढ़िया होंगे आपके, आसन में आप ज़्यादा देर रुक पाएंगे। थोड़ा खींच के करिए भुजाओं को, कलाई को सीधा रखकर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। पांच बार उठक बैठक करेंगे, शुरू कीजिए। एक
वापिस दो, वापिस तीन, कोशिश करें कमर सीधी रहे, वापिस चार, वापिस पाँच, रुकिए अब की बार, एड़ी को मत उठाइए, कमर गर्दन सीधी, भुजाएं सामने, वापिस, थोड़ा सा विश्राम ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, थोड़ा अपने हाथों को हल्का हल्का थोड़ा सा झटका लीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा, करते जाइए करते जाइए, वेरी गुड। ये देखिए पूरे जोश के साथ करिए करिए करिए, और थोड़ी गति बढ़ाइए, वापस आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, एकदम सामान्य हो जाएं, सहज हो जाएं, सूर्य नमस्कार करेंगे, नए साधक जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, जितना भी करें सही करें, गलत करने की बिल्कुल भी कोशिश या ट्राई ना करें, कहीं पर घबराहट लगे, थकान लगे, बीच में वापस आ जाएं। पहली स्थिति, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, प्रणाम मुद्रा, आँखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मन मन मुस्कान, अज्ञा चक्कर को देखिए, तनाव को दूर करने वाली क्रिया, योग में रुचि बढ़ाने वाली क्रिया। ॐ मित्राय नमः, दो भुजाओं को तांत कर आकाश की ओर। अब देखिए आपने इतनी बढ़िया से पिछले 18-20 मिनट सूक्ष्म क्रियाएं की हैं, तो उसका प्रभाव नजर आया आपके सूर्य नमस्कार में, कोई आलस्य नहीं दिखाना, हर क्रिया में पूरी दक्षता, थोड़ा सा आर्क बनाइए, वेट मत कीजिए कि मैं जब बोलूं उसी के बाद आप आर्क बनाएंगे, पीछे की ओर करिए करिए, विशुद्धि चक्र पर प्रभाव को लेकर आइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे शरीर की हड्डियाँ मांसपेशियाँ स्वस्थ हो रही हैं। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, भुजाएं कान के साथ ही देखिए आगे की ओर आएं, कोशिश कीजिए पेट का भी संकुचन हो, कोशिश कीजिए उंगलियां लगने के बाद आधी हथेली लगे, थोड़ा प्रयास करेंगे, वहीं पर नहीं रुकना जी आपने, थोड़ा पेट को संकुचित कीजिए, कमर को थोड़ा और झुकाइए, मणिपुर चक्कर पर ध्यान लगाइए, आँखों को बंद रखिए, पेट के सारे अंग प्रभाव में सक्रिय हो रहे हैं, मुस्कुराकर दोनों थैलियां आसन पर जमाएंगे, राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, थोड़ा और पंजे को पीछे लेकर जाने की कोशिश कीजिए ताकि अपने आप से स्थिति बढ़िया हो, दबाइए दबाइए दबाइए, कमर को नीचे गर्दन को ऊपर उठाइए, बहुत अच्छा जी बहुत बढ़िया, इसी अवस्था में एक बार अपने घुटने को आसन पर रखिए, पंजे को लिटाइए और उष्टासन की भांति अपने शरीर को थोड़ा खड़ा कर लीजिए, करने जा रहे हैं वीरभद्र आसन, दोनों हाथ साइड से या सामने से लेकर जाएं आकाश की ओर, लेकर जाएं ऊपर, प्रणाम मुद्रा, कोहनी सीधी जी, हथेलियां जुड़ी हुई, थोड़ा और भरिए, एक बार खींचिए लंबाई दीजिए, और अब श्वास भरते हुए धड़ को लेकर जाएं पीछे और आगे, पंजे पर वजन आए, पंजे पर वजन आए, हथेली मत खोलिए जी, हथेली खुल रही है साधकों की, पीछे पंजा आपका लेटा हुआ घुटने से सहारा ले सकते हैं, आगे पंजे पर वजन डालिए, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया, देखिए कितनी बढ़िया से आपको
सुंदर डेमो दी जा रही है, आप भी कोशिश कीजिए। वेरी गुड, मध्य में आएंगे, तानते हुए पहले भुजाओं को साइड से या अपनी सुविधा के हिसाब से नीचे लेकर आएं। सूर्य नमस्कार की स्थिति, और अब दूसरा पंजा भी पीछे। एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में, चेक कीजिए। कुछ साधकों ने अंगूठे को उंगली को अलग कर दिया, अपनी हाथ की उंगली अंगूठे चेक कीजिए जी। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेट को थोड़ा सिकोड़िए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साइटिका नाड़ी आपकी स्वस्थ हो रही है, कंधे मजबूत हो रहे हैं, मुस्कुराकर आ जाएंगे पैरेलल, एकदम सीध में पूरा शरीर, बिल्कुल सहजता। थोड़ा सा और बिल्कुल शरीर को सीधा कीजिए, एक लाइन की भांति, कंधों में मजबूती, शरीर पर नियंत्रण, मोटापा कम। मुस्कुराकर आएंगे अष्टांग प्रणाम में, पीछे से पंजों को मिला के रखिए, घुटनों को मिला के रखिए, खो जाइए माँ की गोद में। कितना सुकून, कितना आनंद, खुले आसमान के नीचे पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ सुनते हुए, तनाव बिल्कुल दूर, हृदय के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया, अनाहत चक्कर प्रभाव में। मुस्कुराइए, हथेलियों पर शरीर का वजन डालिए, आगे से धड़को उठाइए, पीछे पांव मत खोलिए जी, पांव मत खोलिए, गर्दन को भी धीरे धीरे पीछे लेकर जाएं, आराम आराम से, थोड़ा और धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, और हल्का हल्का थाई को आसन की ओर लेकर आएं, दोनों प्रयास साथ साथ कीजिए, थाई नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। आने दे पेट के ऊपर खिंचाव, ये देखिए पेट की मांसपेशियां जब खिंचेंगी, मसाज होगी उनकी, स्वस्थ होंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। रीढ़ की तो विशेष स्थिति बनी हुई है, रीढ़ के दोष समाप्त हो रहे हैं, आनंद लीजिए। मुस्कुराकर श्वास छोड़ते हुए आएंगे अगली स्थिति में, ये रिपीट हो रही है स्थिति। सभी साधक प्रयास करें हमें हथेली को, पंजे को हिलाना ना पड़े, वहीं पर एड़ी आसन पर, वहीं पर ठुड्डी कंठकूप में, उंगली अंगूठे मिलाएं जी, उंगली अंगूठे मिलाएं। छोटी सी चीज को देखिए, कितने महीनों से हम साधना कर रहे हैं फिर भी गलती कर रहे हैं। एड़ी पर वजन डालिए और मुस्कुराते हुए राइट लेग को आगे ले आइए। ये देखिए एक बार में दोनों थैलियों के मध्य में आ गया पंजा। इससे पता चलता है कि हमारी साधना का स्तर कितना है। आपसे भी हो पाएगा, संभव हो पाएगा, लेकिन उसके लिए रेगुलर आना है, आपने स्नान करके जुड़ना है, पूरे विश्वास के साथ पूरे समय के लिए जुड़ना है। आइए वीरभद्र आसन का अभ्यास करेंगे, पंजे को लिटा दीजिए, घुटने को रख दीजिए आसन पर, खड़े हो जाइए अपने घुटने के ऊपर, दोनों हाथों को साइड से या सामने से आकाश की ओर ले जाएं, प्रणाम मुद्रा में ले जाएं। और बढ़िया करेंगे जी, सभी मन बनाएंगे, देखिए करिए करिए करिए। देखिए हथेली को मिलाइए, कलाई के निकट से मिलाइए, एक बार गहरा श्वास लीजिए और अपने कंधों को, गर्दन को, धड़ को पीछे ले जाइए और आगे पंजे पर वजन डालिए। माथा आकाश की ओर हो जाएगा, चेस्ट भी पीछे की ओर जाएगी, जैसे कंधे पीछे जाएंगे कमर भी मुड़ेगी पीछे की ओर, लेकिन
प्रेशर आएगा आगे पंजे के ऊपर, थोड़ा प्रयास कीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। थोड़ा देखिए बैलेंस भी बनाना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा अभ्यास तो देखिए करना ही पड़ेगा, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। वेरी गुड वेरी गुड, वाह वाह जी वाह, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मुस्कुराकर आ जाएंगे मध्य में, एक बार भुजा को खींचे ऊपर और तानते हुए साइड से दोनों हाथ नीचे, पुनः एक बार सूर्य नमस्कार की स्थिति। पीछे घुटने को खड़ा करें, पंजे को खड़ा करें, गर्दन को पीछे करें और अब दूसरी टांग भी आगे ले आएं। एड़ी मिलाइए, एड़ी मिलाकर दोनों हाथ की उंगलियां हथेली आसन पर लगाइए, थोड़ा पेट को सिकोड़िए, आंखें मंद रखिए। कितनी खुशी एक एक बॉडी के पार्ट को मिल रही है, आप उनके लिए समय निकाल रहे हैं, वो आपके लिए समय निकालेंगे पूरा दिन। मुस्कुराते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा करेंगे, तानते हुए करेंगे, थोड़ा सा आर्क बनाएंगे पीछे जल्दी से, करिए करिए, बस होने वाला है जी सूर्य नमस्कार। थोड़ा सा देखिए अब ढीलापन नहीं छोड़िए, तभी पता लगेगा स्टैमिना हमारा कितना है। वेरी गुड वेरी गुड, कलाई भी देखिए आज तो सब साधकों ने सीधी कर रखी है, वेरी गुड। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे नमन मुद्रा में, प्रसन्नता चेहरे पर, पूरी तरह शरीर हमारा प्रफुल्लित, भगवान सूर्य का आभार व्यक्त करें। मुस्कुराकर आसन पर बैठ जाएं, सब आसन में लेट जाएं, कोशिश हो नेत्रों को खोलने की जरूरत ना पड़े। दोनों पांव में करीब 1 से 1.5 फीट का फासला बनाएंगे, हाथों को भी शरीर से थोड़ा अलग रखेंगे आधा फीट, उंगलियों को शिथिल छोड़ देंगे। प्रसन्नता, खुशी, एक एक अंग पूरी तरह मस्ती में, पूरी तरह आनंद में। भूख अच्छी लगेगी, नींद अच्छी आएगी, हर काम में आपको आनंद आएगा। योग में इतनी ताकत, सभी संकल्प करेंगे योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे, सबसे टॉप प्रायोरिटी बनाएंगे और सभी दिल से ये संकल्प लें, जिस दिन हम योग की क्रिया नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, उस दिन हम कम से कम एक समय का भोजन छोड़ देंगे। कम से कम एक समय तो छोड़ना ही है, 2 समय छोड़ सकें तो अति उत्तम। अगर आपकी प्रायोरिटी, जो टॉप प्रायोरिटी अगर आपने पूरी नहीं की, तो भोजन भी हम लेने के हकदार नहीं उस दिन। संकल्प को दोहराएं, मुस्कुराते हुए एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। जो बच्चों की क्लास से जुड़ना चाहें, 6:40 पर हमारी जूम के थ्रू प्रज्ञा ही उस क्लास का संचालन करती है, बाकी बच्चे भी उसमें जुड़ते हैं, सभी बच्चे आसन भी कराते हैं, सबका पार्टिसिपेशन होता है। तो 6:40 से 7:40 उस क्लास में आपका 8 साल का बच्चा है, 10 साल का है, 12 साल का है, तो उसमें जुड़ेंगे तो बच्चे आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग बनती है। और प्रज्ञा आप देख ही रहे हो कितनी बढ़िया साधना और उसका संचालन करती हैं,
तो आप उससे जुड़ें। प्रज्ञा बेटी को धन्यवाद करते हुए कल फिर जुड़े और श्रीमान नरेंद्र जी आगे का सुंदर डेमो देंगे। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव को लेफ्ट साइड में घुमाकर वज्रासन में बैठ जाएंगे जी। सब लोग बैठ जाएं वज्रासन में, घुटनों को मिलाइए, पंजों को पीछे इस प्रकार रखें कि अंगूठे टच करें, एड़ियां खुल जाएं। थोड़ा फिरकी चलाएंगे यहीं पर बैठकर, चलाइए जी, अपने वज्रासन का भी लाभ लीजिए और थोड़ा सा अपनी चेस्ट को, कंधों को प्रभावित कीजिए और थोड़ा मस्ती के साथ, वेरी गुड, बिल्कुल कमर को सीधा रख करके और अपनी कंधों को, कोहनियों को प्रभावित कीजिए और थोड़ा खुश होकर करिए, बड़े चार्म के साथ करिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे तो कोहनियां भी लगा पा रहे हैं, देखिए अपने बच्चों को, पीछे उनकी कोहनियां टच हो रही हैं, वेरी गुड। करते जाएं, करते जाएं, करिए करिए करिए, धीरे धीरे आएंगे वापस सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स, आंखें बंद, मुस्कुराइए। यहीं से आ जाएंगे डाउनवर्ड डॉग की पोजीशन, घुटने के ऊपर, हथेली के ऊपर, अपनी कमर को जैसे टेबल का टॉप होता है बिल्कुल वैसा कर दें, एकदम सीधा कर दें। ऐसा नहीं हो कि कोई टिल्ट हो रखी है कमर, बिल्कुल सीधी कमर कीजिए, कंधे से लेकर हिप्स तक बिल्कुल सीधा कीजिए और थोड़ा प्रयास कीजिए, वेरी गुड। पंजे लेटे हुए, अब यहाँ पर हम करेंगे मार्जरी आसन, एक बार बनाएंगे कैट का पोस्चर, एक बार बनाएंगे कैमल का पोस्चर। तो कैट का पोस्चर बनाइए, गर्दन को पीछे लेकर जाइए और कमर को पीछे थोड़ा सी शेप दे दीजिए, करिए थोड़ा प्रयास कीजिए, करिए करिए करिए, थोड़ा और कमर को मोड़ने की कोशिश कीजिए, जैसे हम उष्टासन में कमर को पीछे की ओर मोड़ते हैं, गर्दन पीछे, माथा आकाश की ओर। धीरे धीरे रिवर्स आएंगे कैमल की पोजीशन में, ठुड्डी को अंदर की ओर लेकर जाइए, पेट को सिकोड़िए और जैसे कैमल का ऊपर थोड़ा कुबड़ सा होता है, इस प्रकार कमर की थोड़ी पोजीशन बने आपकी, कोशिश कीजिए, करिए 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 करिए, और थोड़ा पेट को सिकोड़िए, चेस्ट को अंदर सिकोड़िए, थोड़ा सा करिए ऊपर, इस प्रकार कमर की पोजीशन बने कि ऊपर अगर कोई चीज रखी जाए वो लुढ़क जाए लेफ्ट या राइट में। धीरे धीरे फिर से एक बार कैट का पोस्चर बनाइए, लगना चाहिए शरीर में कि कोई क्रिया कर रहे हैं। बनिए बनिए बनिए, बनाइए कैट का पोस्चर, पिछली बार से और ज्यादा कोशिश कीजिए, गर्दन पीछे से पीछे, मुस्कुराकर कैमल का पोस्चर बनाएंगे, बीच से थोड़ा कोशिश करें कि थोड़ा कुबड़ बने, कोशिश कीजिए, मुस्कुराकर आ जाएंगे मध्य में, सामान्य श्वास, इसी अवस्था में रुके रहें। अब श्वास भरते हुए
आगे से राइट हैंड उठाएं, पीछे से लेफ्ट लेग उठाएं, भुजा कान के साथ पंजा तना हुआ, शरीर को टिल्ट ना कीजिए, थोड़ा बैलेंस बनाइए, रुकिए, ठहरिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, सामान्य श्वास, पांव नीचे हाथ नीचे क्रिया को करें, दूसरी ओर से लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड राइट लेग, पंजा लेटा हुआ नीचे पांव का, पांचों उंगली मिला के रखें जी हाथ की, घुटना मुड़े नहीं जी, भुजा को कान के साथ सटाइए, बिना हिले डुले, रुकिए 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 रुकिए, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बड़ी अच्छी क्षमता जी सबकी। धीरे धीरे आएंगे वापस, यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिलासन, दाई टांग दाई भुजा सीधी, बाई टांग बाई भुजा मुड़ी हुई, एक बार लेफ्ट साइड का शिथिलासन करें, बाई टांग बाई भुजा सीधी, दाई टांग दाई भुजा मुड़ी हुई, बाई ओर का शिथिलासन, और यहीं से अब आ जाएंगे राइट करवट लेकर पीठ के बल। आज हम कुछ मरकट आसन का अभ्यास करते हैं, दो तीन अलग अलग क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। मरकट आसन 13 तरह से किया जा सकता है, 13 टाइप्स। तो आइए उसमें से एक आध दो तीन आवृत्तियां करें। अपने राइट पांव की एड़ी को लेफ्ट पांव के अंगूठे और उंगली में फंसाएं, पंजे को ताने, घुटना सीधा रहेगा पूरी क्रिया में, भुजाओं को 180 डिग्री पर फैलाएं और श्वास को छोड़ते हुए पंजों को लेकर जाएं लेफ्ट साइड में, गर्दन को लेकर जाएं राइट साइड में, ऊपर वाले पांव का अंगूठा आसन को टच करे, राइट ईयर को लगाइए जी आसन पर, समझ में ना आए जरूर देखिए, करिए 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 करिए, भुजा को खींचिए, देखिए पांव को ढीला छोड़ रहे हैं जी आप लोग, लगातार अंगूठे को लगा के रखिए आसन पर, कमर की विशेष स्थिति के साथ बंद आंखों में जुड़िए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, एड़ी की पोजीशन को चेंज करें, लेफ्ट पांव की एड़ी को राइट पांव के अंगूठे और उंगली में फंसाइए, मन मनाइए, मुस्कुराते हुए पंजा जाएगा राइट साइड में, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में, लगाइए लगाइए अंगूठा लगाइए जी, भुजा को भी खींचिए, थोड़ा और खींचिए भुजा को, गर्दन में जबरदस्ती ना करें, कोशिश कीजिए लेफ्ट ईयर आसन को टच करे, जबरदस्ती नहीं करनी लेकिन कोशिश जरूर करनी है, घुटना मुड़े नहीं जी, घुटने में खम नहीं आए, बहुत बढ़िया, कमर के लिए स्थिति है, ज़्यादा मुश्किल आसन नहीं है, नए साधकों के लिए तो बहुत ही उत्तम। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, थोड़ा सा विश्राम ले लें, हाथों को वहीं पर ढीला छोड़ दें, सामान्य श्वास, चलिए जी एक और करेंगे मरकट आसन, पुनः एक बार
एड़ी पंजे मिलाएं, राइट पांव को मोड़कर पंजे को रखें लेफ्ट पांव के घुटने के ऊपर और श्वास छोड़ते हुए मुड़े हुए पांव का घुटना लेफ्ट साइड में, गर्दन राइट साइड में। जो सहारा लेना चाहें अपने लेफ्ट हैंड से घुटने को पकड़कर दबा दें, गर्दन राइट साइड में। जो पांव सीधा है उसका पंजा तना हुआ, उसका घुटना सीधा। करिए करिए करिए, कोशिश करिए, देखने से कुछ नहीं होना, ना तो मोटापा कम होगा ना शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे बूंद बूंद से सागर भरता है। करिए जी, थोड़ा घुटने को दबा के रखिए, आसन पर लगा के रखिए। हाथ का सहारा लेने के बाद भी नहीं लगा पा रहे, कहीं ना कहीं कमी है, कोशिश करिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पांव की पोजीशन को चेंज करें, लेफ्ट पांव के पंजे को राइट पांव के घुटने पर जमाइए, जैसे खड़े होते हैं उस प्रकार जमाइए और ले चलें घुटने को लेफ्ट साइड में और गर्दन को राइट साइड में। बहुत बढ़िया, सभी कोशिश कीजिए, थोड़ा घुटने को पकड़ के दबाइए जी राइट हैंड से, हथेली का प्रेशर बनाइए उस पर, तभी देखिए कमर की विशेष स्थिति बनेगी। चेक कीजिए बंद आंखों में, कहीं राइट पांव को ढीला तो नहीं छोड़ दिया, कहीं उसका पंजा ढीला तो नहीं पड़ रहा है। सामान्य श्वास में रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए, मुस्कुराकर रुकिए, आंख बंद करके रुकिए। बाएं भुजा ढीली छोड़ रहे हो जी, बाएं भुजा को तानिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को सीधा कर दें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। हाथों को वहीं पर ढीला छोड़ें, कंधों को ढीला छोड़ें। चलिए जी मरकट आसन की अगली स्थिति, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए, एड़ियों को बिल्कुल पास में लेकर आइए, दोनों भुजाओं को साइड में फैलाइए। चेक करें भुजाएं ऊपर नीचे हो रखी हैं जी, थोड़ा आँख खोल कर देख लें एक बार और 180 डिग्री पर करें। श्वास भरते हुए घुटनों को लेकर जाएं राइट साइड में, गर्दन को लेकर जाएं लेफ्ट साइड में, घुटने के ऊपर घुटना, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, एड़ी के ऊपर एड़ी। भुजा को खींचिए, भुजा को खींचिए, दोनों पांव मिलकर एक हो जाएं, जैसे घुटने से मेरा घुटना फेविकोल से चिपका हुआ है, एड़ी से एड़ी, टकने से टकना चिपका हुआ है। दबाइए घुटने से घुटने को, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। गर्दन भी लेफ्ट साइड में करिए जी, थोड़ी सी और गुंजाइश है, करिए। कमर को ठीक करने के लिए इससे बढ़िया कोई आसन हो नहीं सकता, लेकिन फायदा तभी होगा जब प्रतिदिन जुड़ेंगे, जब हम सूक्ष्म क्रियाओं में भाग लेंगे, जब रात को 7 बजे के करीब हम भोजन लेना शुरू कर देंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, थोड़ा सा एड़ी की पोजीशन नज़दीक कीजिए और मुस्कुराते हुए ले चलें घुटनों को लेफ्ट साइड में, गर्दन को राइट साइड में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, घुटने से घुटने को दबाइए, घुटने को तो सब लोग सीधा कर सही कर रहे हैं, लेकिन हाथों को ढीला छोड़ रहे हैं।
हाथ को खींचना भी आसन का ही पार्ट है। एक चीज को ठीक कर दिया, दूसरे को गलत कर दिया, तो देखिए फायदा नहीं होगा। अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कई संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नौ को आपने सही से कर दिया सबको, और एक भी अगर गलती कर दी, वो पूरा का पूरा रिजल्ट जो आएगा वो गलत ही आएगा। खींचिए भुजाओं को भी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो जी। खींच के रखिए भुजाओं को, घुटने को दबा के रखिए, मुस्कुराकर अपनी कमर के साथ जुड़िए। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे मध्य में, पांव को सीधा कर दें, हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास, सब आसन, दोनों पाँव में करीब एक से डेढ़ फीट की दूरी बना लें और मन की आँखों से अपने शरीर को निहारिए। एक एक अंग को देखिए, नए नए आसन किए हमने, बहुत सुंदर सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। सूर्य नमस्कार के अंदर हमने वीरभद्र आसन भी किया, कितने बढ़िया से मरकट आसन का अभ्यास, तीन तरह की स्थितियां की। बस प्रभु से एक ही प्रार्थना, ये योग का मार्ग कभी अलग ना हो। भारतीय योग संस्थान की इस योग गंगा में प्रतिदिन डुबकी लगाऊं और कुछ मेरा भी योगदान हो नए साधकों को जोड़ने में, अगर हम चाहते हैं भारतीय योग संस्थान का किसी तरह से ये जो कर्जा चढ़ रहा है, शुल्क अगर हम उतार सकते हैं, तो एक ही तरीका है कि नए साधकों को जोड़िए। मुस्कुराएं, कल फिर जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। संकल्प लीजिए, प्रभु का, पेरेंट्स का धन्यवाद करते हुए दाई करवट लीजिए और उठ करके वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन बहुत ही बढ़िया, एकमात्र ऐसा आसन किसी भी समय कर सकते हैं। ज़रूर अपने अपॉर्चुनिटी निकालिए, समय निकालिए, समय भी ख़राब ना हो और वज्रासन में भी बैठ पाएँ पूरा दिन। एक बार मस्ती हो जाए, हंसी हो जाए, पूरे परिवार के साथ हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाइए, सभी सदस्य हंसे जी, पड़ोसियों को भी हंसाइए, उनको भी सुनाइए। कल से पड़ोसियों को भी जोड़िए। आज की अंतिम आवृत्ति। शांत, प्रभु की कृपा से ये जो मुस्कुराहट, ये जो खुशी का एहसास, ये पूरा दिन बना रहे। जिस किसी से मिले, खुश होकर मिलें, उत्साह से मिलें, मुस्कुरा कर मिलें। जिससे भी आप बात करें, वो
आनंद में आ जाए, उसको मजा आ जाए, लगे उसको कि इससे बात करके तो हमेशा ही मुझे पॉजिटिव वेव्स मिलती हैं, मुझे उत्साह मिलता है, मेरे अंदर पॉजिटिविटी आती है। कोशिश करें, ये जो परिस्थितियां चल रही हैं, किसी भी अपने रिश्तेदार को, दोस्त को, पड़ोसी को, अपने सहयोगी को फ़ोन करके उसका हालचाल पूछें। अगर कोई भी तनाव है, किसी भी तरह से उस तनाव को दूर करें, हंसाकर, प्रेरित करके, कुछ योग की क्रियाएं उसको बताकर। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, 25 आवृत्तियां करेंगे, सभी करेंगे। लंग्स के लिए अति उत्तम, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए अति उत्तम। दोनों हाथ की मुट्ठी कंधे के निकट, कोहनियां शरीर के साथ, मुस्कुराकर दोनों हाथों को लेकर जाएं ऊपर, पांचों उंगलियों को खोलें, शक्ति लगाएं, नीचे लेकर आएं। वापिस आंखें बंद रखें, सामान्य श्वास, सहज अवस्था, कोई हिलडुल नहीं। चेस्ट पर, लंग्स पर, गले पर आए हुए प्रभाव को देखिए, कितना अच्छा लगता है। जब पहले हमने आसन किए और उसके बाद हमने प्राणायाम किया, बहुत ही बढ़िया स्थिति, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। एक बार अपने मुंह को इसी अवस्था में बैठकर एक माइंड के लिए एक्सरसाइज करेंगे, फेस के लिए एक्सरसाइज करेंगे। जैसे मुंह में पानी भर के कुरला करते हैं, तो ऐसे हमने उस पानी को पूरे मुंह के अंदर घुमाना है, गोल गोल। तो गाल को फुला लीजिए और गोल गोल क्लॉकवाइज घुमाइए। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, थोड़ा और बड़ा घेरा बनाइए। अच्छे से गालों को फुलाकर, जैसे बहुत सारा पानी भर के और जैसे कुड़ा करते हैं, उस टाइप से घुमाइए घुमाइए। आ जाएंगे वापस, सामान्य श्वास, आंखें बंद ही रखें, मुस्कुराते रहें। अब एक बार एक आवृत्ति करेंगे, 5-7 आवृत्तियां करेंगे। जैसे सिंह आसन में जीभ को बाहर निकालते हैं, ऐसे आपने जीभ को बाहर निकालनी है, गले को थोड़ा सिकोड़ना है, गले पे प्रभाव आना है, फिर वापस अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर। करिए जी, ज़्यादा से ज़्यादा। गले पे आना चाहिए प्रभाव, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल कर गले की मांसपेशियों में खिंचाव आए, और फिर अंदर ले जाकर फिर दोबारा करें। आएंगे वापस, थोड़ा सा मुस्कुराइए, होठ बंद, सामान्य श्वास। अब अपने मुंह को जैसे
जबड़ों को जैसे एक बार लेफ्ट साइड में करेंगे, एक बार राइट साइड में करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खिंचाव आए साइड में। गर्दन नहीं घूमेगी, करिए 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 लेफ्ट राइट में। समझ में ना आए जरूर देखिए, देखिए डेमो का पर्पज ही ये है ताकि आपको कहीं पर गलती लगे, समझ में ना आए तो हम ठीक कर पाए, वापस आ जाएं। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। देखिए कितनी छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इनको हम दिन में भी कर सकते हैं। जब हम अपने काम से थोड़ा ब्रेक लें, आधा मिनट, एक मिनट, दो मिनट, बच्चों को कराइए, देखिए कितना अच्छा प्रभाव आएगा। एक और एक्सरसाइज करते हैं इसी कड़ी में, अपनी जीभ को दांतों के बाहर की साइड से जैसे कुछ चीज़ फंस गई हो ऐसे सारे 32 के 32 दांतों को छूते हुए, टच करते हुए मेरी जीभ जाए, क्लॉकवाइज घुमाएं। थोड़े होंठ खोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है होंठ खोलने में, हल्का सा। सभी करेंगे जी, सभी करेंगे। देखने में बड़ी साधारण सी क्रिया है, यकीन मानिए बहुत ही शानदार इसके लाभ हैं। जीवन में कभी लकवा नहीं आएगा, इतनी बढ़िया ये क्रिया है। पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी करिए, करिए जी, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे वापस, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। वज्रासन से पद्मासन में अगर आना चाहें पद्मासन में आ जाएं। कपाल भाति प्राणायाम करेंगे, 25 से 30 आवृत्तियां करेंगे, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर जमाएंगे, मेरुदंड को सीधा करेंगे, मुस्कुराकर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे और मुस्कुराकर अधिकाधिक श्वास को भरेंगे। मूलबंद लगाइए और शक्ति लगाइए, श्वास को बाहर फेंकिए, पुनः शक्ति लगाइए, श्वास को बाहर फेंकिए, सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाइए। कपाल भाति प्राणायाम, कपाल को चमकाने वाला। केवल पेट की मूवमेंट हो, कंधे ना हिले, चेहरे पर तो जरा सा भी तनाव नहीं आए, मन मन मुस्कान और सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। करते जाएं, करते जाएं। दो आवृत्तियों के मध्य में थोड़ा सा अंतर रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस रखना है दो आवृत्तियों के मध्य में, ताकि श्वास अच्छे से भर जाए। जिस वक्त श्वास को छोड़ें उसी वक्त पेट को अंदर खींचें। हृदय के लिए पेड़ों के सभी अंगों को प्रभावित करने के लिए, लंग्स को प्रभावित करने में बहुत ही बढ़िया, श्वसन प्रणाली हमारी बढ़िया बनती हुई, चेहरे पर ओज आएगा, चमक आएगी, आभा आएगी,
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कर रहे हैं जी। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़ दें और बाह्य कुंभक में मूल बंध लगाकर रुक जाएं। जब ना रुका जाए मूल बंध को खोल दें, सामान्य श्वास, सुंदर अनुभूति, कोई हिलडुल नहीं। कमर लेकिन सीधी, कमर को देखिए सीधा रखना है आपने, प्राणायाम करते हुए भी, विश्राम के वक्त भी। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नोस्टल पर, अनामिका बाईं नोस्टल पर। अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को भरिए, दाईं ओर से श्वास को छोड़िए, दाईं ओर से भरिए, बाईं ओर से श्वास को छोड़िए। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट कीजिए। किसी भी आवृत्ति में श्वास लेने की छोड़ने की आवाज ना आए। श्वास का अनुपात बराबर हो, करते जाएं, भजन भी सुनते जाएं। बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। पूरा ध्यान श्वासों पर, प्राण शक्ति पर।
बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण कीजिए। आंखें बंद रहें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सुंदर अनुभूति। अनुलोम विलोम प्राणायाम इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने वाली बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल क्रिया। मुस्कुराते हुए कुछ पल प्रभु का ध्यान करें, प्रभु के नाम में खो जाएं, प्रभु के दिए हुए इन श्वासों में खो जाएं। रोम रोम मेरा प्रफुल्लित हो, आनंदित हो। प्रभु, प्रतिदिन आपकी कृपा की ये बारिश इसी प्रकार हम लूटते रहें परिवार के साथ, इसी प्रकार प्रभु हम इस योग रूपी मानसरोवर में डुबकियां लगाते रहें परिवार के साथ। मैं भी कुछ प्रभु इसमें अपना योगदान दूं, लोगों को जोड़ पाऊं। प्रभु ऐसी मुझे सद्बुद्धि दीजिए, ऐसी मुझे सामर्थ्य दीजिए। बार बार यही प्रार्थना। मुस्कुराते हुए एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ। भरिए गहरा लंबा श्वास। अंतरिक्ष गं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, रोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते हुए कुछ पल इस शांति में खोए रहें। जिनके पास समय हो थोड़ा और प्रभु का ध्यान करें, प्रभु के नाम का संकीर्तन करें। बाकी साधक बगैर आँख खोले दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, विशेष ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे और इस आध्यात्मिक ऊर्जा को मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर, सर पर, पूरे शरीर पर धारण करेंगे। कोमलता से नेत्रों को खोलेंगे, भगवान सूर्य के दर्शन करेंगे, परिवार के एक दूसरे सदस्यों को ग्रीट करेंगे, अभिवादन करेंगे, नमस्ते करेंगे। इसी प्रकार हम जुड़ेंगे पूरे परिवार के साथ, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, ठीक 6:45 बजे जुड़ेंगे और पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे किसी रिश्तेदार को, अपने सहयोगी को, अपने पड़ोसी को जोड़ने का। आप सब का दिन शुभ हो। श्रीमान नरेंद्र जी का पूरे परिवार के साथ कोटि कोटि धन्यवाद।